अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। हेलो हेलो हेड्स बॉस। दो तीन चीज़ें अगेन हमने डिसाइड की हुई हैं और देखें उनमें से कितनी पूरी हो पाती हैं। ये जो हमारे गेस्ट हाउस है उसका बैक गेट है जहाँ से मैं निकलती हूँ, बेसिकली दिस इज फायर एग्जिट। हमारी गाड़ी इसके बिल्कुल ऑपोजिट खड़ी होती है तो इसलिए हमने उनसे पहले दिन ही कह दिया था कि हम ये यूज़ कर सकते हैं। शी सेड यस। नहीं हमने बस पे नहीं जाना। हमने कब जाना है? कल बस पे। विल सी। यू वांट टू गो ऑन बस? तो मेरे बच्चों को लोकल ट्रांसपोर्ट से अजीब किस्म की ऑब्सेशन है, स्पेशली परिचय को तो कुछ बचपन से बसेस बहुत पसंद है, है ना नवीद? परिचय हमेशा बस पे जाने का कहती है, इसे रिक्शा भी बहुत पसंद है। वेकेशन से आप होते हैं तो मुझे समझ नहीं आती, पता नहीं क्यों नींद इतनी अच्छी आती है और मतलब आपका दिल करता आप सोए रहो, होटल में जल्दी उठा ही नहीं जाता, मेरे से तो आज तक नहीं उठा गया, बस आराम से होता है। ये हम इस ब्रिज पे आ गए हैं और डेली हम इस ब्रिज से गुजरते हैं और आज मौसम जो है फोगी है और ये देखिए इस ब्रिज का टॉप नज़र ही नहीं आ रहा, सी के ऊपर ही ब्रिज है और काफ़ी लंबा है, काफ़ी बड़ा ब्रिज है और इतना खूबसूरत बना हुआ है। कल परसों की तो मेरे पास जो वीडियो थे वो काफ़ी क्लियर है। ये पीछे से हया मुझे कह रही है कि जी जी ओके, हया दिखाएं क्या लगाना है, हया किधर है? तू मेरा तू मेरा। डैडी आपकी बेटी कह रही है तू मेरा लगा दे। तू लगा दो भाई। ये हम पहुँचे हैं विक्टोरिया स्ट्रीट और आज हमारा प्लान है कि हम इसके अराउंड दो तीन जगह हैं वो देखेंगे। कोई हैरी पॉटर थीम स्ट्रीट भी है यहाँ जो कि मुझे बहुत अट्रैक्ट करी थी तो मैंने कहा कि आज हम इधर जाएंगे। तो मे बी हमारा आज एडनबर्ग में लास्ट डे हो, होपफुली। फिर हमारा ग्लासगो का प्लान है नेक्स्ट थ्री डेज और फिलहाल पार्किंग के लिए अगेन वी आर इन वेटिंग लिस्ट, वेटिंग रो बेसिकली। और उसके बाद फिर हम उतर गए। ये टॉवर कितना प्यारा लग रहा है। हमने आज भी मैचिंग की, यू गाइस नोटिसिंग? नवीद कहेंगे कि ड्राइव क्यों के वो करते हैं इस वजह से, है ना? कोई मौका नहीं जाने देते ये मर्द हजरात बात सुनाने का। आ रहे हैं टुवर्ड्स विक्टोरिया स्ट्रीट। वेदर काफ़ी ज़्यादा हार्श सा हो गया, मतलब बहुत ठंडी हवा चल रही है और हम सब ने अपने अपने कोट चढ़ा लिए हैं। लगा गया थोड़ा सा, नवीद ने मेरे हाथ में लोकेशन पकड़ाई हुई थी एंड उन्हें रिग्रेट नहीं हुआ होगा गलत आने का क्योंकि उन्होंने क्यों पकड़ाई थी। वो बस जिसमें हमने आने का प्लान किया था है जी, क्या फूफू एडनबर्ग का टूर करवाते हैं एंड ये रही रूफ टॉप भी आप बैठ सकते हो। ये है जी विक्टोरिया स्ट्रीट और हमें ये स्ट्रीट से जाना पड़ेगा नीचे। ओके ये हम वापस उसी जगह आ गए हैं, विक्टोरिया स्ट्रीट देख ली सारी, ऊपर आ गए हैं और फुहार वाली तेज़ बारिश हो रही है। ये देखें मेरे क्यूटी पाई से मिले छोटू मोटू ने मेरी बहुत सारी पिक्चर्स ले दी हैं अच्छी अच्छी, मैंने अभी देखी नहीं है लेकिन कह तो रहा था मम्मा ले ली हैं। और एक छोटू हमारा आ गया डैडी के साथ एज ऑलवेज, मैं दिखाती हूँ क्योंकि बारिश हो रही है तो अब ज़रा और ज़्यादा हाइबरनेट करता जाएगा वो अपनी वॉकर में। ये है जी, हेलो गाइस, हम आ गए गाड़ी में वापस और अब देखें हम कहाँ जाते हैं। ठीक है बैठो, सोच रहे हैं। ये स्ट्रीट जा रही है डीन्स गार्डन की तरफ।
विलेज जो है स्टार्ट हो चुका है। अच्छा ये सारा दिन चले जाए। ओके हाँ देखें लोग भी सामने रुके हुए हैं पिक्चर्स वगैरह ले रहे हैं। मौसम का अच्छा होना बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है आपकी ट्रैवलिंग पे भी और ओवरऑल आपके डे पे भी। जिस दिन वेदर ऐसा हो जाए ना उस दिन स्पेशली बच्चों के साथ आपका वो खास प्रोडक्टिव डे नहीं रहता क्योंकि बच्चे ज़ाहिर है ज़्यादा गाड़ी में ईजी फील। आज हमें कुछ रोड्स यानी कुछ नहीं ज़्यादातर रोड जैसे लगेंगे। हम कल भी आए थे हम परसों भी आए थे तो ट्रिप के थोड़े पैसे पूरे होते नज़र आ रहे हैं कि हमने इतना एक्सप्लोर कर लिया है एडिनबर्ग को नवीद कि आज हमारी रोड्स रिपीट हो रही थी। दो तीन जगह ऐसी थी जहाँ हम ऑलरेडी होकर आए हुए थे और वो जो जो बस का टूर है ना वो अगर पहले पता हो ना इंसान को जैसे किसी ने आना है और किसी ने किसी को बताना है तो बेस्ट ये है कि आप वो बस वाला टूर पहले दिन कर लें। वो आपको इन सारे अट्रैक्शंस में एक दिन आपको बिठाएंगे बस में और तीन चार घंटे का वो टूर है और उसमें वो आपको डिफरेंट जगहों पे जो है डिफरेंट अट्रैक्शंस पे उतारते रहते हैं और ना आप डिफरेंट पॉइंट्स पे जाते हैं 15-20 मिनट के लिए बस रुकती है आप पिक्चर्स वगैरह लें वापस आकर बैठ जाएं। तो यानी आपकी ये सारी चीज़ें जो हैं एक ही गो में कवर हो सकती हैं एक ही दिन और मज़ीद आपने कुछ अपने तौर पे दोबारा देखना। तो और एक और रीज़न भी यही थी बाय रोड आने की भी कि हम आराम से जो है ना गाड़ी पे घूमेंगे। बाय एयर भी हमने इसलिए इसको प्रेफर नहीं किया था कि फिर बाद में हमें डिफरेंट जगहों पे जाने के लिए लोकल ट्रांसपोर्ट करनी पड़ेगी हर जगह के। प्यारी रोड से माशाल्लाह ब्यूटीफुल हाँ इसी साइड लग रही है इधर की कंट्री साइड इतना ही खूबसूरत है मतलब यस इट्स वेल मेंटेन्ड सही कह रहे हैं। प्योरली लगता है कि कंट्री साइड है। देखें सामने रोड कितना प्यारा लग रहा है। देखिए जब आपने किसी जगह का मज़ा लेना होता है ना तो आप एक दिन में दो तीन जगह ही कवर कर पाते हैं या फुली आप एक या दो मैक्सिमम। पहले दो दिन तो हमने पहला दिन तो ऑलमोस्ट ट्रैवल था दूसरे दो दिन हमने फुल फ्लैज एक एक जगह पे लगाए हैं और उसके साथ नियर बाय जो सारी सिटी सेंटर एक्सप्लोर करते हैं वो। और जो आज है आज हमने ज़रा क्विक टूर रखे हैं कि कुछ जगह हमें लगी क्योंकि समटाइम्स ना अट्रैक्शन में उन्होंने लिखा होता है नाम लेकिन वो बेसिकली एज सच कोई रोड ही होता है बस या कोई बिल्डिंग होती है एंड दैट्स इट। तो आज ये फिर आज के दिन की हमारी फोर्थ अट्रैक्शन है विक्टोरिया स्ट्रीट। देन हम सर्कस लेन में गए उसके बाद हम डीन्स गार्डन गए और अब ये ब्लैकनेस कैसल है बेसिकली सी के पास शो हो रहा था खूबसूरत बहुत लग रहा था तो हमने कहा चलें इस तरफ चलते हैं। तो अब देखें फाइनल डेस्टिनेशन क्या निकलती है देखें ब्लैकनेस लिखा हुआ आ रहा है इस तरह की जगह ढूंढ रहा था कि नियर बाय सी हो और हम उसके कोई बैंक तक जा सकें तो आज होपफुली हम उसके बिल्कुल नियर बाय पहुंच गए हाँ ये बिल्कुल उसके एच पे मैप पे भी सी शो सारा ब्लू ये यहाँ पे है तो ये सारा अकेला बंदा हो तो घर ले लेते हैं ये फॉर सेल है ये भी ठीक है इतना जज्बाती होना चाहिए पार्टनर आपका बस फिर लाइफ में और कुछ नहीं चाहिए होता आपके मुंह से निकले बात और सेल परचेज पे बात चली जाए जी मैं बाहर निकल के भी एक बार इसको देखती हूँ थोड़ा सा पीछे वाली विंडो नीचे कर देते ताकि उठें तो पता लग जाए। और ये मैं वहाँ से वॉक करती करती इधर आ गई हूँ और ये रहा स्कॉटलैंड का लहराता हुआ झंडा। मैंने नवीद तो कहा यार झंडे के पास चलते हैं तेरे क्या करने मुझे तो अच्छी वाइब आ रही थी मतलब देखिए कितना अच्छा लगा
हूँ, वैसे मुझे बहुत अच्छा लग रहा था पॉइंट। बेसिकली इनका ब्लैकनेस बोट क्लब है, उसके बिल्कुल एज पे उन्होंने एज ए सेलिंग पॉइंट वहाँ पर रख लगाया हुआ है। बच्चे हमारे सो रहे हैं, नहीं तो ये टाइम लाइक टाइम स्पेंड करने वाला पॉइंट है। वापस जा रहे हैं उसी रास्ते में जो कि बहुत खूबसूरत था इसका, और मुझे तो मज़ा आ गया नवीद सी व्यू का, बिल्कुल लेक अच्छा था। बस बच्चों की वजह से अब दोनों तो नहीं जा सकते थे। हाँ एग्जैक्टली, ये वाली एक रीज़न थी। तो नवीद हमेशा मुझे एक्सप्लोर करने का थोड़ा ज़्यादा मौका देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इसको इसका ना कुछ रह जाए। और वैसे ही सी व्यू वाली साइड्स तो मुझे बेइंतहा पसंद है। जितना आप समंदर को देखते जाते हैं, उतना समंदर दूर दूर जाता जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि आपका स्ट्रेस बाहर जाता है ऐसे बॉडी से, और बड़ी एक बड़ी पीसफुल सी वाइब्स आने लगती हैं। उसमें नहीं आता वो इंडिया की मूवी जो शाहरुख, कौन सी, काजल को छोड़ने जा रहा होता है गाड़ी, वो स्विट्जरलैंड है आई गेस। हाँ ये वैसे वाइब, ये हाँ ये हमारा यही स्विट्जरलैंड है। ये जो येलो फ्लावर्स है ना, ये उसी की लुक का हमारा यानी फोर्थ डे है, जिसमें से यानी अगर हम फर्स्ट ट्रैवलिंग वाला निकालें तो थर्ड डे बना, जिसमें हमने डिफरेंट चीज़ें एक्सप्लोर की हैं। और मतलब किसी भी दिन में हमने कोई ऐसे नहीं हुआ कि यार आज का मज़ा नहीं आया, आज का दिन ऐसे हुआ या वैसे। हर दिन कोई नई ऐसी चीज़ हमें मिल जाती है जो कि एक बड़ी मज़े की होती है, और हमें ऐसा लगता है कि आज के दिन के वैसे पूरे हो गए। तो क्योंकि ट्रैवलिंग पे आना और बिल्कुल कोई आइडिया ना होना उस जगह का, उस मुल्क का, उसके शहरों का, और फिर वहाँ गूगल करना और चीज़ें ढूंढना मुश्किल हो जाता है। रास्ते में एक छोटा सा गार्डन भी है इसका। नवीद ने आज सीट बेल्ट बांधी हुई है। आज नवीद कहते हैं कि कोई चप्पा चप्पा रह ना जाए एडिनबर्ग का, किसी रेग्रेट के साथ वापस नहीं जाना चाहते। आई एम एंडिंग अप माय दिस व्लॉग एंड आई होप यू गाइस हैव एंजॉयड विद मी। कीप वाचिंग मी ऑन माय YouTube चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।